वहीं राज्य का सबसे पुराना महिला डिग्री कॉलेज इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय चुनावी रंग में रंगा तो है, मगर एक शीलता के साथ और यहां पर प्रत्याशी भी हैं और उनके समर्थक भी हैं, मगर कोई भी अराजकता नहीं है। प्रत्याशी अपने तरीकों से अंदर खाने प्रचार में जुटे हैं और यहां पर पद पर अभी तक दो दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया है। मंगलवार को देर शाम तक 19 नामांकन पत्र लिए जा चुके थे। बहरहाल यहां पर हमने कुछ छात्रों और दावेदारों से बात की और जानने की कोशिश की है कि कॉलेज के किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है और वे क्या नया चाहते हैं। तो आप भी सुनिए कि किसने क्या कहा। जैसे कि मैंने आपको भी बोला था कि हमारे स्कूल में इतनी परेशानियाँ हैं, तो हम उसी अध्यक्ष को लेके यहाँ पे स्कूल में आएंगे और हम उसी अध्यक्ष को वोट भी देंगे और शायद मेरे ख्याल से मेरा वोट शायद वहीं तक जाएगा। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, वो हैं शिवानी कार्की, हम उन्हीं को वोट देंगे। बुक्स की शॉर्टेज है, देखिए गर्ल्स कॉलेज में एक चीज़ होती है, सब मुझसे अग्री करेंगे कि लड़कियां जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिंसियर होती हैं स्टडीज़ को लेके, तो वो आगे से आके उन्होंने मुझे बताया कि शॉर्टेज है बुक्स की, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हैं उसकी भी कई सारी बुक्स नहीं है, तो मैं उस पर काम करूँगी। ऐसे ही और भी कई सारे हैं, मेरे ख्याल से लिस्ट तो ऐसे वैसे तो एंडलेस है, बट ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। ये भी पता चला कि हमारे कॉलेज में इलेक्शन होने वाले हैं और अब जो अपकमिंग प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट है वो शिवानी कार्की एम ए इंग्लिश से, तो मैं चाहूँगी कि वो अगर बने, होपफुली यही रहेगा कि वो बन जाएं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ और